रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, इन लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। आज के लेक्चर्स में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कर रहे हैं और वो भी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करा रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक सही तरीके से समझ आ जाए। आई होप आपको ग्लोबल चैलेंज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पिछले वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। आज मैंने उसी टॉपिक को लिया है एंड उसी को मज़ीद आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए एक आर्टिकल लिया है, एक रिसर्च पेपर लिया है एंड उसी के थ्रू आपको मैं ये सारा डिफरेंट जो चैलेंजेस हमारे पास दरपेश हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इसी के थ्रू मैं आपको आइडेंटिफाई भी कराऊँगी एंड आपको मैं उसका सोल्यूशन भी दिखाऊँगी। ये आर्टिकल मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल चैलेंजेस हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में है उसी के रिलेटेड है। डिफरेंस हमारे पास जितने भी चैलेंजेस है उसी को यहाँ पर इस आतर ने डिस्कस किए हैं एंड रिसर्च किया है एंड बहुत सारे लोगों ने इसी टॉपिक पर रिसर्च किया है, तो वो सारा लिटरेचर रिव्यू भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हर आतर ने, हर रिसर्चर ने उससे क्या चीज़ हास की है, उसने क्या चीज़ सर्च किया है। तो आई होप स्टूडेंट आप इस लेक्चर को एंजॉय भी करोगे एंड आपको एक न्यू मेथड भी मिलेगा कि आप किस तरह अपने एक टॉपिक पर रिसर्च करोगे। ये आपके लिए एक रास्ता मुहैया करेगा कि आप कल को रिसर्च करोगे अपने किसी भी फील्ड में, तो इसी आज की इस लेक्चर से आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी। मैंने भी एक ही पेपर्स को लिया है, पेपर का जो टाइटल है हमारे पास है ग्लोबल चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड उसी से मैंने एक समरी सी बना ली है, आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर किया है एंड अभी आपके साथ वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी कि इस पेपर में बेसिकली हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस क्या होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंड इसमें डिफरेंस जो रिसर्चर्स हैं उसने क्या क्या काम किया है, उसने क्या चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं एंड उसके लिए डिफरेंस जो रिसर्चर्स है उसने क्या सोल्यूशन फेश किया है। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज को एंड इस आर्टिकल, इस रिसर्च पेपर को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ज़रा हम एग्जीक्यूटिव समरी करते हैं इस पेपर्स की। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस पेपर का जो आतर है वही जो कुछ कह रहा है, मैं भी उसी को आपको डिस्कस करूँगी। तो इसमें आतर कह रहा है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माय प्रोजेक्ट एज द ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कंपनीज आर coordinating teamwork across geographical boundary, languages and culture boundary। I hope ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। हमारे पास जो डिफरेंस चैलेंजेस हैं आज हम इस पेपर में बहुत ही डिटेल के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास क्या है कि द डिफ़िकल्ट दे आतर कह रहा है कि द difficulties they encounter play an important role in the global economy and affect the design of effective computer interface. Author keh raha hai ki my goal is gain more insight on the increasing challenges this space information system as technology develop and to look for possible solution to these problem. And solving these problem I will look at the existing system and the attempts that have been made to solve the problem. I hope to learn more about challenges that different system face when using information system. यहाँ पर जो आतर है वो अपनी फीलिंग को कर रहा है कि वो क्या चीज़ को अचीव करेगा, किस तरह डिफरेंट चैलेंज के साथ वो फेस करेगा एंड फिर अपनी मोटिवेशन भी ज़रा कर रहा है कि क्या है कि माई प्रोजेक्ट विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी व्हाट आई हैव लर्न इन दिस कोर्स। तो आगे जाएंगे, इस आर्टिकल्स को मज़ीद स्टडी करेंगे। हमारे पास मज़ीद इस आर्टिकल्स में क्या है, ये तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी था, अभी हम इसी की जो
रिसर्च रिव्यू है, हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है। इस पेपर की जो लिटरेचर रिव्यू है इसमें हमारे डिफरेंस जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, उस पर सर्च किया है एंड हर किसी की एंड वो हमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है। तो अभी ओके स्टूडेंट, अभी हम पेपर प्रीव्यू पर आएंगे। डिफरेंस जो लिटरेचर रिव्यू है उसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास दो ग्लोबल चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या 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 है और हर रिसर्चर ने क्या चीज़ पर आइडेंटिफाई किया है एंड उसके नज़र में कौन कौन से चैलेंजेस जो है हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम? हमारे पास टेर एंड रे नॉल्ड 2008 में उसने डिफाइन किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट डेट कलेक्ट मैनिपुलेट स्टोर एंड डिसमिनेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक मैकेनिज्म टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। समझ जा रही है? हम अपनी इसी सारे जो टॉपिक है इसी को डिफरेंस जो रिसर्च से है एक पेपर हमने लिया है। तो डिफरेंस हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे एंड डिफरेंस जो रिसर्च है उसकी व्यू को भी स्टडी करेंगे। तो स्टेर एंड रेनाल्डो ने जो कि 2008 में यहाँ इस पर रिसर्च किया है एंड उसने इसी चीज़ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डिफिनीशन किया है तो उसके पास भी यही है कि हमारे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास सेट ऑफ एन इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है जो हम कलेक्ट करते हैं मैनिपुलेट स्टोर एंड डिसमिनेट करते हैं एंड फिर हम जो है ना इस डेटा को ये सारा कुछ करते हैं फिर इंफॉर्मेशन जो है तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं एंड फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास मिलता है हमारे एक ऑब्जेक्ट को। अच्छा, विद दिस डिफिनीशन आई विल गो अहेड टू रिव्यू माय पेपर। ले हैं, द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स। टुडे इंफॉर्मेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम टू गेट प्रोवाइड यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन टुडे फॉर फ्रॉम डेटाबेस साइट विद इंफॉर्मेशन थ्रू द वेब गोफर वाइस। Globalization has a great impact in information system. According to the Thomas Friedman 2005, we are entering a phase where more people than ever before in the history of the world are going to have access to this tool. An innovator as collaborator and alas as even terrorist. Freedom's call the new era globalization, which is the era of the global connection of people, corporations and countries using the internet and powerful technology tools to change relationship across the global. Worker and different corporation use the internet for teamwork and designing of project. Market have expanded. People and companies do their shopping and receive services from different parts of the world. There are challenges that come with the globalization and the need to gain access to information from many sources all over the world. And this paper, I am going to explore. समझ जा रहे? यहाँ पर आतर कह रहा है कि वो उस पेपर को जो है ना और भी एक्सप्लोर करना चाह रहा है एंड क्या करना चाहता है, कह रहा है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दूस चैलेंजेस डेट आर ग्लोबल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई वांट टू नो हाउ ऑर्गेनाइजेशन आर मेकिंग यूज ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी टू सेल देयर सर्विसेज टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। What are the barriers they face in engaging in international markets and how do they overcome the barriers? I will focus on technological barriers, regulation and tariff, electronic payment mechanism, different languages and culture, economics and political consideration, different measurement
स्टैंडर्ड। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। डिफरेंट जो रिसर्चर्स है उसने अपने अल्फाज में इंफॉर्मेशन सिस्टम को पहले डिस्कस कर लिया कि उसके लिहाज में उसने डिफरेंट लोगों ने डिफरेंस डिफिनीशन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के बयान कर दिए। इसके अलावा डिफरेंस लोगों ने फिर अपनी जो ग्लोबल चैलेंजेस है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में है उसको भी डिस्कस कर लिया। फिर आतर ने अपने पेपर को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हुए जो डिफरेंस चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको एक्सप्लोर कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा हमारे पास क्या है डिफरेंट जो चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो हमारे पास क्या क्या है। अभी हम ज़रा और भी जाएंगे एंड और भी चैलेंजेस को और भी एक्सप्लोर करेंगे। पिछले वाले बात को हम लेंगे कि लीगल वेरियस होती है हमारे पास डिफरेंट जो टाइम जोन दे वेरियस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्लाई टू एनी गिवन ऑर्गेनाइजेशन देन डेट सीक इंटरनेशनल बिजनेस। I will focus on the portal like Yahoo and Google to show the different interface and different country. So I hope so आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ओके हम मजीद जाएंगे एंड मजीद हम इसी पेपर को स्टडी करेंगे एंड अपनी जो हमारे पास जो टॉपिक है डिफरेंस जो चैलेंजेस हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस तरीक़ों से। तो हम अभी इस पेपर्स की बॉडी को डिस्कस करेंगे क्या है कि द बॉडी ऑफ द पेपर विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट ग्लोबल मार्केट हैव एक्सपेंड देयर आर थाउजेंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट गो ऑन ईच डे ओवर द इंटरनेट इंटरनेशनली द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक इट्स ईजियर फॉर बिजनेस to business transaction and business to customer transaction. And this part of my project, I am exploring the challenges and solution of the global information system. समझ जा रही है यहाँ पर अतर जो है ना अपने इस टॉपिक की तरफ आ रहा है डिफरेंट जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं और वो कह रहा है जैसा आप लोगों ने MIS का सिस्टम पढ़ लिया है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ लिया तो आई होप थोड़ी सी ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी हमने वो सारी चीज़ें कवर की हैं और अब जो है ना हम ज़रा ग्लोबली आ रहे हैं ज़रा चैलेंजेस पर आ रहे हैं ज़रा एडवांस में आ रहे हैं एंड इन सारी चीज़ों को हम ज़रा एडवांस में लेकर जो है ना इस डिफरेंट चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि अतर कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो ये हमारे पास जो पेपर है मीन इस पर जो इसने काम किया है ये हमारा उसका एक प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या करेगा वो उसने ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लोर कर दी अब वो एक्सप्लोर करेगा चैलेंजेस को और चैलेंजेस को जब वो एक्सप्लोर करेगा तो फिर इस ग्लोबल जो चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम के इसकी सोल्यूशन को भी वो देगा। समझ जा रहे इसका जो रिसर्च है उसने क्या कर लिया कि डिफरेंस जो ग्लोबल चैलेंजेस है क्या पहले उसने ये सारी चीज़ें बयान कर दी कि बयान की कि मीन हमारे पास चैलेंजेस क्या है उसने पहले ज़रा लिटरेचर्स को भी रिव्यू कर लिया एंड बता दिया कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस क्या होती है। अभी इस पेपर में हम और भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी करेंगे आइडेंटिफाई भी करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस को एंड इस पेपर में ये अतर जो है ना इसका सॉल्यूशन भी पेश करेंगे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं एंड इसका ये सॉल्यूशन है। तो चलो स्टूडेंट हम आगे जाएंगे एंड इस सारी चीज़ों को और भी डिटेल में आएंगे क्या है कि हमारे पास द चैलेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वेरियल एंड सॉल्यूशन। फर्स्ट हमारे पास आप लोगों ने डिफरेंट जो चैलेंजेस हमारे पास ग्लोबल है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है अब हम उसी को जो है ना यहाँ पर उसको चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे एंड साथ में फिर उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो चैलेंजेस है ग्लोबली इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास वो है टेक्नोलॉजिकल वेरियल है एंड उसका सॉल्यूशन है। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल वेरियल क्या होता है सही है एंड फिर उसका क्या सोल्यूशन होता है। तो पहले ज़रा चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं क्या है कि द चैलेंजेस डेट इंफॉर्मेशन सिस्टम पेस एट डेट मैनी कंट्रीज डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। समझ जा रही है हमारे पास एक चैलेंजेस है क्या है कि सम कंट्रीज डू नॉट हैव क्वालिटी
electricity and water supply. The technique and internet services may have limited access, and even the employees are not skilled to handle the changing technological infrastructure. Companies having branches and countries with low bandwidth have the challenges of creating their website. Portal like Yahoo and Google have the challenges of using the technology of different countries and the interface, as we will see later in this paper. And this in country with low bandwidth internet, the system will be very slow. Clear है ना? हमारे पास ये एक challenges ये है कि technology mean ज़्यादातर लोगों के पास तो है ही नहीं. जिसके पास है वो तो unskilled है, इतनी expert उसमें नहीं होते कि मीन वो याहू को इसके थ्रू मीन कुछ और ही उसको यूज़ कर ले एंड कुछ और ही फायदे ले लें. एंड एक हमारे पास जो है ना एक बड़ा चैलेंजेस जो है बैंडविड्थ का है, इंटरनेट बैंडविड्थ का है. और जहाँ पर हमारे पास ये है तो वो बहुत ही स्लो है, कई जगहों पर तो है ही नहीं नेट, एंड जहाँ पर है तो वो बहुत ही स्लो है. तो हमारे पास ये एक बड़ा चैलेंजेस है, ग्लोबल चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में. अब इसकी सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि हमारे पास ये तो है एक चैलेंजेस, अब इसका सोल्यूशन क्या है. तो सोल्यूशन क्या है कि डिफरेंट जो कंपनीज होती है नीड टू क्रिएट टू वर्जन ऑफ द वेबसाइट टू ऑफर अल्टरनेटिव टू कंपेंसेट फॉर द स्लो बैंडविड्थ. समझ जा रहे? तो फिर कंपनी जो है उसको ज़रूरत होती है कि वो क्रिएट कर ले एक वेबसाइट जो वो बनाते हैं, जैसा याहू होता है, गूगल होता है, डिफरेंस होती है. तो वो उनको फिर ज़रूरत होती है कि वो दो जो वर्जन होती है वेबसाइट की वो बनाया करे, अल्टरनेटिव जो है ना वो कंपेंसेट कर ले फॉर द स्लो बैंडविड्थ के लिए. समझ जा रहे? एंड जो ओरिजिनल है वो तो सही के लिए वो करेगा ऑफर, लेकिन जहाँ पर लो बैंडविड्थ होगा तो फिर उसके लिए जो अल्टरनेटिव होगा वेबसाइट वो उसको वो ऑफर करेगा. अच्छा, और अतर कह रहे कि मेरे ख्याल में क्या होगा कि द कंपनी आल्सो नीड टू वर्क विद द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बेस्ट फॉर दूस कंट्री. समझ जा रहे? तो एक तो डिफरेंट जो रिसर्चर्स है उसकी बात भी कर रहा है अतर, एंड अपनी जो उसकी एक्सपीरियंस है उसका जो रिसर्च है वो भी बयान कर रहा है. तो ये उसका सोल्यूशन है. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा. अब दूसरा हमारे पास जो दूसरा चैलेंजेस है वो हमारे पास है कल्चर चैलेंजेस एंड इसका सोल्यूशन. हमारे पास कल्चर चैलेंजेस क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस में जो हमारे पास कल्चर चैलेंजेस है ये क्या होता है, एंड इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है. तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे एंड कल्चर चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कल्चर चैलेंजेस क्या होता है एंड इसका सोल्यूशन क्या होता है. क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज चैलेंज ग्लोबली बाय कल्चर डिफरेंस एंड अदर कंट्रीज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. समझ जा रहे हैं? डिफरेंस कल्चर्स होते हैं, आप देख सकते हैं दुनिया में हमारे पास डिफरेंस कल्चर्स होती है, डिफरेंस ममालिक की डिफरेंस कल्चर्स होती हैं, एंड डिफरेंस रीजन्स की भी फिर हमारे पास डिफरेंस वो कल्चर होते हैं पूरी दुनिया में. तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर डेट मे नॉट अप्लाई इन अनदर कंट्री. आपको पता है ना कि हर इलाके का, हर मुल्क का अपना कल्चर होते हैं, उसको आप दूसरे में वो नापिज नहीं कर सकते, उसका अपना होता है, हर किसी को अपना कल्चर पसंद होता है. अच्छा, क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल सीकिंग ग्लोबल ट्रेड आर अफेक्टेड बाय दिस डिफरेंस. द चैलेंजेस डेट बिजनेस विल फेस आर टेस्ट गेस्चर्स ट्रीटमेंट ऑफ पीपल एंड इथिकल इशू एंड कंसर्न वे टू ग्रोथ अगेंस्ट लाइक अमेरिकनाइजेशन. तो ये सारे हमारे पास डिफरेंस चैलेंजेस हैं बिजनेस में. ए कंपनी लाइक McDonald's डेट इज अमेरिकन कंपनी मै पेस द चैलेंज ऑफ टेस्ट इन अफ्रीका. The technology that work for attracting customer to McDonald's taste of food and the United States may face a challenge in Africa. There are cultural variation in information interface and portal like Yahoo and Google.
The icon on the Yahoo home page represent different aspect of culture of the country represented. For example, in the Chinese culture, the color red as representation of the passion, celebration and happiness, which is a good sign. Even the stock are represented in red. On the other hand, in Yahoo Taiwan, green as a sign for good and red as a sign for danger, for something bad. The interface of the icon varies with cultures. Those creating website and portal in different countries have to pay attention so what fear to the culture of the people. तो आई होप सो यहाँ तक समझ आ चुका होगा डिफरेंस एग्जांपल से. लाइक आप अपने एग्जांपल्स को ले लें कि हमारे यहाँ जो रेड कलर होता है वो एक खुशी के लिए का सिंबल समझा जाता है, जबकि हमारे पास जो वाइट कलर होता है वो हमारे पास अमन की वो निशानी होती है. सही है. तो जैसा हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो थोड़ी सी ज़रा वो गमगीनियत के लिए वो है. तो इस तरह डिफरेंस कलर के डिफरेंस मीनिंग होते हैं. तो डिफरेंस लोग जो है ना, डिफरेंस कल्चर जो है, अपने अपने कलर्स को बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरे इलाके में उस कलर का उलट ही मतलब वो लोग लेते हैं. तो यहाँ पर आई होप आपको इस डिफरेंस जो एग्ज़ाम्पल है इससे समझ आ चुका होगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो ग्लोबली एक चैलेंजेस है हमारे पास ये हैं. अब थोड़ी सी ज़रा हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कि हमारे पास तो डिफरेंस ये चैलेंजेस है, अब इसके सॉल्यूशन क्या है. तो सॉल्यूशन क्या है कि मल्टी कल्चर पाइम शुड एम्प्लॉय पर्सनल लोकली टू डिज़ाइन वर्जन ऑफ द वेबसाइट टू अफेयर टू ए पर्टिकुलर कंट्री. ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द प्रोडक्ट डेट हैज़ टू डू विद टेस्ट नीड टू एक्सप्लोर वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग लोकल टेस्ट टू देयर फूड टू मीट द लोकल डिमांड. क्लियर हो गया है. तो आई होप आपको कल्चर्स जो हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस में एक कल्चर चैलेंज है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इसकी समझ आ चुकी होगी. अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम एक दूसरा ग्लोबल चैलेंजेस की बात करेंगे जो कि हमारे पास है लैंग्वेज डिफरेंस है. एक हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंस जो है ना, ये हमारे पास एक ग्लोबल चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में. अभी इसको ज़रा डिस्कस करेंगे एंड इसका सोल्यूशन भी पेश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज चैलेंजेस क्या होते हैं. लैंग्वेज चैलेंजेस बेसिकली हमारे पास ज़बान की जो डिफ़िकल्टीज हर किसी को दरपेश है. जिस तरह हमारा पाकिस्तान है इसमें डिफरेंस लैंग्वेजेस बोली जाती है. उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इंग्लिश हम एज ऑफिशियली यूज़ करते हैं, जबकि इसके अलावा हमारे पास डिफरेंस जो रीजन्स में इलाकाई जो डिफरेंस लैंग्वेजेस है उसको हम बोलते हैं. हर इलाके के लोग अपने अपने लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसमें बातचीत करते हैं, जबकि जो नेशनल हमारी लैंग्वेज है वो हमारे पास उर्दू है एंड पूरे मुल्क में उर्दू ही समझी एंड बोली जाती हैं. तो इस तरह हम दुनिया की बात करेंगे. दुनिया में भी इस तरह जिस तरह हमारे पास एक मुल्क में जो लैंग्वेज की चैलेंजेस है कि जिस तरह एक हम पश्तो बोलते हैं तो हम तो जब उर्दू की भी समझ आती है, इंग्लिश की भी समझ आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपने इलाके से बिल्कुल बाहर ही नहीं जाते तो उसको बाकी लैंग्वेजेस की समझ नहीं आती. तो ये भी एक लैंग्वेज चैलेंजेस हो गई. क्लियर है. अच्छा, ये तो ये हो गया. अब हम बैरूनी मुल्क के साथ थोड़ी सी ज़रा कंपेरिजन करेंगे. तो फिर उसके साथ हम इंग्लिश में ज़्यादातर वो कम्युनिकेशंस करते हैं. तो जब हम इंग्लिश में अच्छे होंगे, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे, तो बाकी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो होंगे वो बिज़नेस की हो या हमारे पास हर लिहाज नेशनली इंटरनेशनल जो भी हमारे पास उसके साथ ताल्लुकात होंगे, तो हम हमें अगर इंग्लिश की समझ है तो हम अच्छी तरीके से उसको करेंगे, डील करेंगे. अगर इंग्लिश की समझ नहीं है, इंग्लिश में हम लो है, तो मीन बाहर दुनिया के साथ हमारा जो बिज़नेस होगा या दूसरे जो डीलिंग होगी इसमें हम फिर पीछे रहेंगे. तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है. तो चलो अभी इस पेपर्स में अत्तर क्या डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास ग्लोबली इंफॉर्मेशन सिस्टम में लैंग्वेज
की क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो क्या है कि इंग्लिश एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, बट द परसेंटेज ऑफ द लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज एज, समझ जा रही है, जो हमारे पास इस दुनिया में इस ममालिक में जो इंग्लिश बोलने वाले का जो परसेंटेज है डिफरेंस ममालिक में, वो हमारे पास 38.8% है एज अपोज टू 62.2% ऑफ द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। देयर इज अ चैलेंजेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस विच मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट टू एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। लाइक हमारे पास जैसा गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप उसमें कोई भी स्टेटमेंट दे दें तो वहाँ पर आप जस्ट क्लिक करोगे कि आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, तो आपको वो आसानी के साथ ट्रांसलेट करेगा। तो क्या है कि गूगल एंड अदर पोर्टल्स हैव टू फिगर आउट ए वे टू ट्रांसलेट गूगल एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। गूगल एज ट्रांसलेटेड एंड टू 150 डिफरेंट लैंग्वेजेस। The challenges as that international partner have to agree on the common languages. Information need to be translated because the computer cannot translate accurately. English is considered de facto international language. Countries require information and system in their own language. Some country required that the account system be written in their language. It is a challenge to have a universal accounting system. तो आई होप स्टूडेंट आपको लैंग्वेज चैलेंजेस की समझ आ चुकी होगी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में है एंड दरपेश है। अच्छा, अब थोड़ी सी ज़रा हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास ये चैलेंज है लैंग्वेज का, अब इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है। लार्ज कंपनीज ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन एंड लोकल लैंग्वेजेस। वेबसाइट डिज़ाइन एंड ट्रांसलेशन शुड बी डन एंड लोकल ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल गूगल एज डिज़ाइन एंड ट्रांसलेटेड एंड 150 लैंग्वेजेस। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्रिएट, समझ आ रही है कि गूगल हमारे पास इतने लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्रिएट मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। गूगल यूजेस लैंग्वेजेस कोड, यूजर स्पेसिफाई द लैंग्वेज विच दे इंटेंड टू डू देयर सर्च एंड दे आर एबल टू सर्च इन एनी लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस। तो आई होप सो आपको लैंग्वेज चैलेंजेस की समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करेंगे जो कि हमारे पास ग्लोबली इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। क्या है पर हमारे पास जो चैलेंजेस है ऑफ द रेगुलेशन एंड टैरिफ्स, टैरिफ्स है मीन रेगुलेशन एंड टैरिफ्स एक हमारे पास चैलेंजेस है ग्लोबली इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इसको डिस्कस करते हैं एंड साथ में इसका सोल्यूशन भी पेश करते हैं। तो हमारे पास जो चैलेंज है क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम फोकस द चैलेंज ऑफ रेगुलेशन एंड टैरिफ्स। कंट्रीज हैव डिफरेंट इम्पॉर्टिंग रेगुलेशन। द रेगुलेशन हैव ए वैरायटी ऑफ इशू, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, कॉपीराइट, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा एंड प्राइवेसी। It is time consuming to keep track of the regulation and tariffs of computer system and multinational and transnational. तो आई होप सो आपको चैलेंजेस की समझ आ चुकी होगी। हमारे पास रेगुलेशन एंड टैरिफ्स में जो है ये क्या चैलेंजेस हैं, अब थोड़ी सी ज़रा इसको और भी ले जाएंगे एंड साथ में इसका जो सोल्यूशन है इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, हमारे पास जो डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो अब इसके बाद है कि द एम्प्लॉय मे नॉट नो हाउ टू कंप्लाई विद लॉ, रेगुलेशन एंड टैरिफ्स ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री। तो चलो अभी सोल्यूशन पर आएंगे। इसका हमारे पास सोल्यूशन है कि प्रोग्राम लाइक नेक्स्ट लेंस कैन हेल्प इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर फॉर वेब कॉमर्स।
NetLinks specializes in global trade. It provides solutions to importer, exporter, and logistic provider. NetLinks is integrated in the PIM system. NetLinks handle all the logistic and international order of system. It determines cost, trade, agreement, trade, import, and export, and global knowledge. तो आई होप सर आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी. अच्छा अब आगे जाएंगे एंड नेक्स्ट जो हमारे पास चैलेंज है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको डिस्कस करेंगे. अच्छा वो जो हमारे पास जो चैलेंजेस है ऑफ डिफरेंस एंड पेमेंट मैकेनिज्म. द वैल्यू ऑफ द करेंसी एज ए ग्रेट चैलेंज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. समझ आ रही है? जैसा हमारे पास डिफरेंस जो डॉलर कभी बढ़ रहा है कभी लो हो रहा है, जैसा हमारे पास रुपया जो है वो कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, इस तरह रियाल दरहम रोज़ आप देखते हो कि हमारे पास जो करेंसी है वो ऊपर नीचे होती है. एंड आजकल जो है ना डॉलर भी बहुत ही सबसे पावर में है एंड बहुत ही महंगा है. तो जो करेंसी है हमारे पास ग्रेट चैलेंज है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड में. द मेथड ऑफ पेमेंट टू एज अनदर चैलेंजेस टू इंटरनेशनल ट्रेड. सम कंट्री डू नॉट हैव डेबिट और क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस. ए कंट्री लाइक जापान अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड. समझ आ रहे हैं? मीन वो बिल्कुल ही क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करता, तो वो उसके लिए तो ये बिल्कुल ही बहुत क्या है, एक चैलेंजेस है. किस तरह के? इवन टू देयर आर सम क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड आर ग्रेजुअली बीइंग यूज्ड इन जापान. इट इज़ नॉट एज इजी एट एज द यूनाइटेड स्टेट टू यूज़ द एटीएम मशीन. Due to the use of the post office each machine, it is easier to open an account in Japan than to use your credit or debit card. So it becomes difficult to do international transaction online. The United States use debit and credit card for online transaction. And the contrast, the US does not use mobile payment method, which is mobile payment or method on the cell phone to do electronic commerce. समझ आ रही है? तो देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंस कंट्रीज़ है, डिफरेंस कंट्रीज़ के पास जो पेमेंट का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंस है एंड ये उनके लिए हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है. तो अब इसकी सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि हमारे पास इसका बेस्ट वन सोल्यूशन क्या होगा. तो क्या है कि द इंटरनेशनल पेम मस्ट हैव मल्टीपल पेमेंट मैकेनिज्म. द गोल ऑफ मोस्ट पीपल एज द यूज ऑफ वन डिवाइस ऑफ पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. जापान इज मेकिंग सम इम्प्रूवमेंट ऑन द पोस्ट ऑफिस कैश मशीन टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. आई होप सो आपको यहाँ तक भी समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो डिफरेंस पेमेंट्स के डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स है ऑल द वर्ल्ड, तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है एंड यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन भी आपको पेश कर दिया. आई होप सो आपको जो डिफरेंस चैलेंजेस है उसकी भी समझ आ रही है एंड साथ में उसका जो सोल्यूशन मैं आपको बयान कर रही हूँ तो उससे तो आपको मज़ीद ही सारी चैलेंजेस क्लियर हो चुके होंगे. ओके अब हम आगे जाएंगे एंड और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्लोबली पेश हैं. अच्छा तो हमारे पास क्या है द चैलेंज ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस क्या है एंड इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है. क्लियर है? हमारे पास जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये भी एक बड़ा सोल्यूशंस है. तो इस पहले तो इस सोल्यूशन को डिस्कस करके होता क्या होता है, ये हमारे पास ये चैलेंज है क्या एंड फिर इसके सोल्यूशन पाएंगे. क्या है कि द चैलेंज टाइम डिफरेंस मेक इट डिफिकल्ट टू टॉक टू पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द ग्लोबल. ग्लोब समझ आ रहे? ग्लोब मीन ग्लोबल की बात करें.
It takes day and sometimes month to get products to other country. समझ जा रही है? हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, पहले मैं यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ. पुराने वक्तों में जिस तरह हवाई जहाज़ भी इतने नहीं होते थे, लोग बैरूनी ममालिक को जो कश्तियों के थ्रू सफ़र करते थे, तो फिर उसका आना जाना, मैसेज का उसको सेंड करना, इतने साल लगते थे. या जिस तरह हमारे पास एक सिटी से दूसरे सिटी में भी पहले ज़माने में जो लोग इस तरह मैनुअली तरीके से डाक के थ्रू जो है ना, वो भी बहुत ही हार्ड तरीका था, तो उसके थ्रू अपने मैसेज को बहुत ही दिनों में मत में वो सेंड करते थे. तो हमारे पास ये टाइम एंड डिस्टेंस आजकल देख ले कि डिस्टेंस भी बहुत ही करीब आ चुके हैं. बहुत सारे ज़रिए हैं कि जिसके थ्रू हम जो है ना बहुत दूर के पास ले को बहुत ही कम टाइम में तय करते हैं. या जिस तरह आप लोगों देख सकते हैं मोबाइल एंड नेट के वजह से, तो ये सारी जो हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस थी, तो वो टाइम हमारे पास बहुत ही जो है ना रह चुका है, मीन के फ़ायदा हमें दे चुका है. बहुत सारा टाइम हमारा अभी जो है ना बाकी हो चुका है. पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, अभी जो है ना वेस्ट नहीं होता, बल्कि और भी हमारे टाइम जो है ना बचत हो रहा है. हम जो पहले ज़माने में हम सालों में महीनों में एक काम को करते थे, आजकल हम सेकंडों में मिली सेकंड में उस काम को करते हैं. तो हमारे पास पहले ज़रा इसको करते हैं कि टाइम डिफरेंस एट मेक इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोबल. सही है? तो पहले पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, आजकल हम जो है ना फ़ोन की वजह से पूरी दुनिया में सेकंडों में बातचीत सारा कुछ करते हैं. वो सेकंड में हम पूरी दुनिया का राउंड भी लगा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. अच्छा, इट टेक्स डे एंड सम टाइम मंथ टू गेट प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्री. सही है? ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया. दिस लीड टू डिले एंड द बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर एम्प्लॉय एंड कस्टमर एंड डिफरेंस कंट्री टू गेट कनेक्ट. टाइम स्टैम्पिंग गुड कुड बी अ चैलेंज टू कीप ट्रैक ऑफ क्रिएशन एंड मोडिफिकेशन टाइम ऑफ ए डॉक्यूमेंट. तो आई होप आपको टाइम एंड डिस्टेंस की जो चैलेंजेस हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी. एंड मैंने आपको अभी आइडेंटिफाई भी कर लिया है. अब थोड़ी सी ज़रा हम आपको पता चल गए ना कि हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में चैलेंजेस है वो क्या होती है, पता चल गया है. अब इसकी हम ज़रा सोल्यूशन पर आएंगे. सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कैन हेल्प विद द एकोमोडेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड अदर टाइम जोन चार्ट रूम एंड बुलेटिन बोर्ड पर कम्युनिकेशन और अदर वे टू ब्रिज द टाइम गैप. कस्टमर सपोर्ट पर्सोना टू वर्क 24/7. कंपनी क्रिएट स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर टाइम स्टैम्पिंग डॉक्यूमेंट. समझ आ रहे? तो अब इसका हमारे पास यही सोल्यूशन है ना कि ये मोबाइल फ़ोन जो आ गए हैं या हमारे पास टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है, तो पुराने ज़माने में जैसा हम एक मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक तजारी या बिजनेस को करते थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता था. आजकल हम जो है ना ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हैं. तो आई होप आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैलेंजेस की समझ आ चुकी होगी, इसका सोल्यूशन भी पता चल गया होगा. अब हम नेक्स्ट चैलेंजेस पर जाएंगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्लोबली इन्वॉल्व है या हमारे पास वाक़या हो रहा है जो बड़ा चैलेंज है. तो वो हमारे पास है लीगल वेरियल्स एंड उसका हम सोल्यूशन भी है कि लीगल वेरियल्स क्या होती है एंड उसका सोल्यूशन क्या होते हैं. अच्छा, दूसरा लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिफरेंट जो हमारे पास चैलेंजेस है उसको डिस्कस कर लिया. होती क्या है, किस तरह काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आई होप वहाँ तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. अभी मैं डिफरेंट चैलेंजेस को आपको बता भी रही हूँ एंड उसका सोल्यूशन भी पेश कर रही हूँ, तो आपको और भी क्लियर हो रहा है. अच्छा, तो चलो हम लीगल वेरियल जो हमारे पास चैलेंज है इसको डिस्कस करते हैं.
एंड फिर लास्ट में इसका सोल्यूशन भी पेश करते हैं। द चैलेंज जो हमारे पास है क्या है कि एवरी स्टेट एंड कंट्री हैज़ लॉ डेट मस्ट बी अवेयर बाय सिटीजन ऑफ डेट कंट्री। समझ आ रही है, हर कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है एंड उसके जो सिटीजन है उसने उसको पर जो है ना उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अच्छा, देयर आर वेरियस एंड एरियाज लाइक डेटा कलेक्शन, प्राइवेसी, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ डेटा, फ्री स्पीच एंड लोकेशन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग जो है। अदर डिफरेंस इंक्लूड ऑक्शन है, गैम्बलिंग, सेल ऑफ लकवेयर एंड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव लॉ डेट प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। In the United States, there are laws that protect the privacy of the medical record, which pose a challenge to the information system. In 2004, Christine Lehman and her article on legal barrier of information technology said, समझ आ रही है? 2004 में क्रिस्टीन लेहमान ने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा, एक आर्टिकल लिखा एंड जिसका टॉपिक था लीगल बैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें अब वो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंड लीगल बैरियर उसके बारे में वो क्या कहता है कि वो क्या होती है, क्या है हमारे पास कि द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस रिपोर्ट डेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड मेडिकल प्रैक्टिस वरी डेट दे विल रन अफॉल ऑफ फेडरल लॉ इफ दे प्रोवाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डियर फिजिशियन। समझ आ रही है, हमारे पास क्या है कि जो उसके मुताबिक जो लीगल बैरियर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो है ना वो रिपोर्ट करेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हमारे पास आवाम के लिए या मेडिकल प्रैक्टिस उसका वो जिम्मेदार होगा एंड उसके लिए वो सारे काम वो करेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना ये आप इसको यहाँ लेहमैन 2004 यहाँ इसका मतलब ये मीन लिटरेचर रिव्यू भी थोड़ी सी हम इसमें करेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास अथर्स है उसने इस पर क्या क्या रिसर्च किया है, उसने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, उसके ख्याल में ये क्या है। अच्छा, क्या हमारे पास है कि द प्रोवाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू दियर फिजिशियन लेहमैन 2004 वो कहता है कि आई डोंट द प्रेजेंट हाउ फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड मेडिकल प्रैक्टिस कैन विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ आ रही है, क्या है कि दिस चैलेंज गोज अ लॉन्ग वे टू हैंडल द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हेल्थ सिस्टम। तो आई होप आपको लीगल बैरियर्स चैलेंजेस की समझ आ चुकी होगी हमारे पास होता क्या है। अब नेक्स्ट जाएंगे एंड एक्स में वो जो अतर है वो बयान करता है कि आई थिंक द मेन रीज़न फॉर दिस बैरियर्स इज़ द इशू ऑफ प्राइवेसी ऑफ द मेडिकल इंफॉर्मेशन बिकॉज द लॉ वेरिएंट डेट पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथोराइज यूज़र। समझ आ रही है, तो ये हमारे पास एक चैलेंजेस है। अब इसका थोड़ा सा ज़रा सोल्यूशन पर आएंगे। सोल्यूशन है कि द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस एंड द यूनाइटेड स्टेट इज मेकिंग एफर्ट टू प्रमोट द अडोप्शन ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आई थिंक दिस सोल्यूशन हैव बीन ग्रेटली इम्प्रूव द प्रोसीजर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। For example, at my work place at Emmanuel Terry, we can now record a resident's prescription online as opposed to using paper form and faxing the order to the pharmacy.
आई होप सो आपको जो डिफरेंस हमारे पास चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो हमारे पास डिफरेंस ग्लोबली चैलेंजेस है उसकी समझ आ चुकी होगी। सारों को हमने डिस्कस कर लिया और साथ में उसका हमने जो सोल्यूशन था उसको भी डिस्कस कर लिया। अभी हम समरी करेंगे, कंक्लूजन पर आएंगे इस आर्टिकल्स के, कि इस आर्टिकल्स का हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या है, क्या है कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग वन। समझ आ रही है, हमने भी अभी जो इस आर्टिकल को स्टडी किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सही है, तो है तो प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग। इट हैज़ इंक्रीज माई नॉलेज ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही है, जो भी इसको रिव्यू करेगा इस आर्टिकल्स को वो भी यही कहेगा, जिस तरह इस ये अतर जो है इसने जो रिसर्च कर लिया डिफरेंस जो आर्टिकल्स थे ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जितने भी इसने रिसर्च कर लिया, तो ये अपने बारे में कह रहा है कि इट इंक्रीज माई नॉलेज ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही है, क्या है कि द कल्चर चैलेंज एंड लैंग्वेज डिफरेंस हैव गिवन मी मोर साइट्स एंड द डिवेलपमेंट ऑफ द सिस्टम। I have come to appreciate the ability of Google to meet the need of other language and creating their website. समझ जा रहे हैं, अतर कह रहा है कि हमारे पास जो कल्चर चैलेंजेस हैं एंड लैंग्वेज चैलेंजेस है इसके बारे में कह रहा है कि इसकी जो इसने हमें मुझे बहुत ज़्यादा मुशाहदा करने को दे दिया कि हम जो है ना डिवेलपमेंट ऑफ द सिस्टम में, पहले तो आप लोगों को इतनी इन चीज़ों के मुतालिक पता नहीं था, लेकिन इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद आई होप आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारे पास किस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसके अलावा अतर जो है ना गूगल को अप्रिशिएट भी करता है कि उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, एक ऐसा गूगल ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर बनाया है कि बहुत सारे लोग जिसको लैंग्वेजेस की चैलेंजेस होती थी या कल्चर चैलेंजेस होती थी, तो वो अभी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये चैलेंजेस थोड़ी सी ज़रा रिमूव हो सकती है, जिस तरह मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ कि मैं अभी जो है ना फर्स्ट टू को जस्ट अंडरस्टैंड करती हूँ, मुझे कोई और लैंग्वेज की कोई समझ नहीं आती पर्सनली। सही है, अच्छा तो मैं क्या करूँगी, मैं गूगल में फर्स्टों में अल्फाज लिख लूँगी। सही है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है चाइनीज़ में, इंग्लिश में, उर्दू में, मीन आप उसको कोई भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहते। अभी मैंने पर्स कर लिया कि मुझे बाकी लैंग्वेज की कोई भी समझ नहीं है एंड मैं फर्स्टों में गूगल ट्रांसलेटर को मैंने ओपन कर दिया, मैं उसमें फर्स्टों में कुछ अल्फाज लिखती हूँ, कुछ पैराग्राफ लिखती हूँ। सही है, मैं उसको जानना चाहती हूँ कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब हो गया, मैं किसी को सेंड करती हूँ तो या किसी ने मुझे इंग्लिश में कुछ सेंड किया है मुझे उसकी समझ नहीं, मैं उसको पश्तो में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है, आपका जो उर्दू का जो पैराग्राफ है इंग्लिश का है। सही है, तो वो जो है ना आप है, चलो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं इंग्लिश का एक आर्टिकल है, इंग्लिश का पैराग्राफ है, मैं उसको फर्स्ट में वो करती हूँ, सही है, ट्रांसलेट करती हूँ ताकि मैं समझ लूँ कि इस इंग्लिश में इस शख्स ने मुझे क्या कहा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पर जाऊँगी, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करूँगी, वहाँ पर मैं अपना जो पैराग्राफ होता है उसको पेस्ट करूँगी एंड वहाँ पर मेरे पास जो कन्वर्जेंस है मैं वहाँ पर सेलेक्ट करूँगी कि मुझे ये जो है ना फर्स्टों में या उर्दू में कर ट्रांसलेट कर दे, तो मैं उसको लिखूँगी, जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी मेरे पास एक तरफ मेरे पास वो मेरा जो पैराग्राफ है वो इंग्लिश वाला है या जो भी है वो ओपन होगा एंड दूसरी तरफ मेरे पास वो पश्तों में ओपन हो जाएगा, इंग्लिश से वो पश्तों में ट्रांसलेट कर देगा। तो फिर पश्तों को तो आपको समझ आती है इंग्लिश उर्दू की, तो फिर आपकी ये चैलेंज जो है ना रिमूव हो जाएंगी एंड आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक इस अतंस ने भी जो हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं इसने भी गूगल को अप्रिशिएट किया है कि इसने ऐसे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसने लोगों की इस चैलेंजेस को इस मुश्किलात को ख़त्म किया है।
अच्छा, इसके बाद आगे जो है जो अतर है इस आर्टिकल का, वो कहता है कि आई एम मोर पैसिनेटेड विद द इम्पॉर्टेंस डेट कल्चर फे इम्पॉर्टेंस सिस्टम, समझ आ रही है। इसके बाद मजीद कहता है कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड हाउ आई अंडरस्टैंड बेटर द मटेरियल डेट वी कन्वर्टेड इन द क्लास। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी एट फर्स्ट टू कम ऑफ विद द प्रोजेक्ट डेट विल एंड ट्रस्ट मी, समझ आ रही है। ये अतर कह रहा है कि पहले जब मैंने इस आर्टिकल को स्टार्ट कर लिया, डिफरेंस जो इस टॉपिक को लिया, तो मेरे पास ये बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैंने इस प्रोजेक्ट को जब ले लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं इसको किस तरह इंटरेस्ट बना लूँ अपने लिए इसका। तो अभी जो है ना, अतर्स खुश है, हर किसी को अप्रिशिएट कर रहा है एंड उसको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो चुकी है। तो कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस वाज टू गेट द मटेरियल डेट आई नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, एंड वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने में मुझे तो बहुत सारे चैलेंजेस और भी हो पेश आई, लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज मेरी लिए थी वो था मेरे लिए डिफरेंस मटेरियल को हासिल करना, जो मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दरकार थी। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। जो हमारे पास डिफरेंस चैलेंजेस थी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आई होप इसकी समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। अभी थोड़ी सी ज़रा आगे जाएंगे एंड कुछ रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने इसी आर्टिकल्स से जो जो चीज़ें ले लिए, साथ में उसके कुछ रेफरेंसेस भी लिए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने जिन जिन रिसर्चर्स का जिक्र किया था, वहाँ पर मैंने साथ में लिखा भी था नेम एंड उसका जो पेपर या आर्टिकल उसने जब पब्लिश किया था उसका डेट। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अगर और मज़ीद इसके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसी से कॉपी पेस्ट करके इसी लिंक को लेकर आप जो है ना गूगल पर गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हैं डिफरेंस पेपर्स को। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ भी ये सारे हमारे पास डिफरेंस रेफरेंस हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो अभी तो और कुछ रहने को बाकी नहीं रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास डिफरेंट जो ग्लोबल चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो क्या होती है। हमने आज के लेक्चर में वो सारी डिफरेंस चैलेंजेस को भी डिस्कस कर लिया एंड साथ में हमने उसका सलूशन भी पेश कर लिया कि ये हमारे पास डिफरेंस चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्लोबली, एंड इसका हमने ये सलूशन पेश किया है कि आप ये काम करोगे तो आपका ये चैलेंजेस जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा एंड न्यू आइडिया भी आ गया होगा, क्योंकि पिछले जितने भी हमने लेक्चर किए थे उसमें मैंने स्लाइड बेस्ड लेक्चर्स को वो एक्सप्लेन किया था। आज मैंने एक आर्टिकल को लिया था, एक रिसर्च पेपर को लिया था जिसका हमारे पास उनवान था जो डिफरेंस चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट हमारे पास जो ग्लोबली चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारे पास टॉपिक था। एंड मैंने इस पेपर को इसलिए ले आई ताकि आपका थोड़ा सा ज़रा रिसर्च की तरफ भी माइंड ओपन हो जाए। कल को आप लोगों ने रिसर्च करना है, डिफरेंस पेपर्स को स्टडी करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि किस तरह आप एक पेपर्स को रिव्यू करोगे, किस तरह अपने काम के चीज़ को वहाँ से निकालोगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई इशू, ओके स्टूडेंट आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है, फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिस्पांस दूंगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।